नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक शो हो रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की आशंका जताई है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज में घटना के सीसीटीवी ब्लैक शो हो रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आतंक दल के सीसीटीवी में छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने भी सीएम आवास के अंदर के वीडियो को एडिट करने और सीसीटीवी फुटेज को गायब करने का आरोप लगाए थे। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ मारे, लात मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाकर 112 पर कॉल किया तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई, वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख कर बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया है, सिर्फ 15 सेकंड रिलीज किए गए हैं। जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी, अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी गई है। सीसीटीवी भी फुटेज गायब है, साजिश की हद हो गई। आपको बताते चले बता दें कि स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से घटना के दिन की दो वीडियो सामने आ चुकी है। पहली वीडियो में जहां सीएम आवास के अंदर स्वाति मालीवाल और सुरक्षाकर्मियों के बीच हो रहे विवाद की फुटेज थी, तो वहीं दूसरी वीडियो में सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज की वीडियो थी। इसमें स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मी बाहर निकालते नजर आ रहे थे। इस वीडियो में 13 मई की घटना और बाद की वीडियो को दिखाते हुए दोनों की तुलना की गई। इसके साथ ही कहा गया कि घटना वाले दिन स्वाति मालीवाल कहीं से भी चोटिल नहीं दिख रही और ना ही उनके कपड़े फटे।